ओकवा पुलिस की तत्परता से दो नाबालिग बच्ची को राजस्थान जाने से बचाया, पति पत्नी आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओकवा पुलिस की सूझबूझ से दो नाबालिग लड़की राजस्थान जाने से बच गई। इन दोनों नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार महिला श्रीमती सुखवंती रामहितार बैगा 42 वर्ष और उसके पति रामहितार पिता छोटूलाल उम्र 42 वर्ष वार्ड नंबर 4 चलेट झालीवाड़ राजस्थान निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में बैयर जेल भेज दिया गया है। सार बता दें कि महिला सुखवंती बैगा मूल रूप से लूद मसिया टोला निवासी है, जिसने राजस्थान के रहने वाले राम हितार से शादी की है। बताया गया है कि महिला सुखवंती बैगा अपने पति राम हितार के साथ राजस्थान के ग्राम चलेट झालवाड़ में रहती है। कुछ दिन पहले ही महिला सुखवंती अपने पति राम हितार के साथ मायके ग्राम लूद मसिया टोला आई थी, जहां उसे 13 वर्ष और 12 वर्ष की दो नाबालिग अपने गांव की स्कूल के पास खेल रही थी। तभी वहां पर सुखवंती अपने पति राम हितार के साथ पहुंची और दोनों नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ऑटो में बैठा कर उसे ओकवा पहुंचाया, जहां से बताया गया कि जब वो दोनों लड़की स्कूल के पास नहीं दिखाई दी तब परिवार वालों ने दोनों की तलाशी की। इस दौरान पता चला कि दोनों लड़की को उनके रिश्ते की बुआ सुखवंती उन्हें ऑटो में ले जाती हुई दिखाई दी। तब परिवार के लोग ओकवा पहुंचे और देखा कि वहां पर दोनों बच्ची और यह महिला भी नहीं दिखाई दी। तब दोनों बच्ची के नहीं मिलने पर दोनों बच्चे के लापता होने की सूचना तुरंत ही ओकवा पुलिस चौकी में दी गई। ओकवा चौकी प्रभारी अर्जुन सेमलिया ने दोनों बच्चों के अपहरण की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही बैयर, बालाघाट सहित अन्य स्थानों को सूचना दी गई, जिसके बाद उपनिरीक्षक अर्जुन सेमलिया ने अपने पुलिस कर्मचारी आरक्षक अभिलाष लोधी और आरक्षक बलराम मरावी के साथ खोजबीन शुरू कर दी और दोनों बच्ची और इस महिला और उसके पति को खोजते हुए बालाघाट बस स्टैंड पहुंचे, जहां शाम 6 बजे के करीब बालाघाट बस स्टैंड में खोजबीन करने के दौरान सुखवंती अपने पति राम हितार के साथ बच्ची को लेकर लिए हुए बालाघाट बस स्टैंड के पास मिले। दोनों पति पत्नी से पूछताछ किया, जहां पर दोनों पति पत्नी और दोनों बच्ची को अपहरण कर उन्हें शाम 6 बजे बालाघाट से बस के द्वारा भोपाल और भोपाल से ट्रेन के माध्यम से राजस्थान ले जाने वाले थे। ओकवा पुलिस चौकी प्रभारी अर्जुन सेमलिया की तत्परता से दोनों नाबालिग बच्ची राजस्थान जाने से बच गई। दोनों पति पत्नी को नाबालिग बच्ची का अपहरण करने के आरोप में धारा 363-34 भादवी के तहत गिरफ्तार करके उन्हें बैयर की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।